केंद्र सरकार ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश से लगभग 86 लाख मीट्रिक टन धान की बंपर खरीदी करने का निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ के किसानों को दी गई सौगात को लेकर भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने पत्रकार वार्ता में राज्य की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। उपज का पूरा धान खरीदने का निर्णय लेने पर प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से आभार जताते हुए भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने शनिवार को दुर्ग भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता लेकर भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि धान खरीदी को लेकर भूपेश बघेल का कथन झूठा है। कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी के लिए 80% पैसा देती है। इस अवसर पर श्री पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में धान का समर्थन मूल्य 873 रुपए बढ़ा, साथ ही खाद में सब्सिडी बढ़ाकर 1.8 लाख करोड़ रुपए करके किसानों को बड़ी राहत दी गई। इस मौके पर प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को मिली सौगात का भाजपा इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसानों तक पहुंचाएगी और प्रयास करेगी कि प्रदेश का हर किसान प्रधानमंत्री मोदी को पोस्टकार्ड लिखकर धन्यवाद ज्ञापित करे। वहीं पत्रकार वार्ता में प्रेम प्रकाश पांडे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बार बार ये झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों का पूरा धान प्रदेश सरकार खरीदती है, जबकि सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार अब तक धान खरीदी के लिए प्रदेश सरकार को 74,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया है, जिसकी बदौलत प्रदेश के किसानों का धान खरीदा जा सका है। तो उनके पास है, बोल क्यों रहे? सीएम रनिंग कमेटी के लिए थोड़ी होता है। 143 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा है, लिमिट तो काफी बढ़ा है। 1,30,00,000 टन इस बार खरीद रहे हैं, तो जितना राज्य सरकार बोल रही है उससे ज़्यादा केंद्र सरकार खरीद लेगी। देखिए, विपक्ष को पूरा अगर इस समय का देखेंगे तो सिर्फ वो राजनीति कर रहा था, ना तो मणिपुर के घटनाओं में कोई संवेदनशीलता दिखाई। विपक्ष बुलाता है कि मोदी जी आओ आओ, जब मोदी जी आते हैं तो भाग जाते हैं। अब ये शुरू से है, बचपन में एक होता था ना, छू के भाग जाते थे, अब दौड़ा तो अब भाग जाते हैं। उनका संसद का सर्वाधिक दुरुपयोग जो है इस समय, ये पुराने यूपीए के जो नए गठबंधन नाम वाले हैं, इन लोगों ने किया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।